नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अभी ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये आपके करियर के लिए होने वाली है। जून 2022 में आपका काम, आपका करियर कैसा रहेगा, दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। दोनों कार्ड्स रखे हैं मैंने। ये जो रीडिंग है इसमें आपको अल्फाबेटिकली चूज नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए आपको इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड अपने लिए पिक करना है। अपने मन में आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर रखना है कि जून 2022 में आपका काम, आपका बिजनेस जो है वो कैसा रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द मैजिशियन कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज योर व्हील ऑफ फॉर्चून। इन दोनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। दोनों के ही टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने मैजिशियन का कार्ड सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है। सो सबसे पहले कार्ड्स हम शफल करेंगे और आपके करियर के लिए जून 2022 के लिए स्पेशली हम यहाँ पे 5 कार्ड्स पिक करेंगे। ग्रुप नंबर 1, जून 2022 आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। जून 2022 फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉर देयर करियर, फॉर देयर वर्क। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहां पे आपका आया है डेथ कार्ड। देन वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द लवर्स कार्ड, 3 मेजर अरकानास। लेट्स पिक 2 मोर कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको रीडिंग यहां पे एक्सप्लेन करूंगी। यू हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 1 मोर कार्ड इज द टावर कार्ड। समथिंग ह्यूज, समथिंग बिग इज हैपनिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मैजिशियन का कार्ड सिलेक्ट किया है। और आपका बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपके करियर की, भले ही आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो, बहुत ज्यादा हैवी रहने वाली है। ग्रुप नंबर 1, जून के मंथ में आई सी कि बहुत सारे लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाने वाले हैं, या पुराना कोई काम अपना छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, या अपनी ही फील्ड में किसी एडवांसमेंट में जाने वाले हैं, अपने नए स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं। और इन सारे चेंजेस की वजह से यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इन सारे चेंजेस की वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा थका सकते हो या बहुत ज्यादा बर्डन फील कर सकते हो। तो अपनी मेंटल हेल्थ का आपको इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 1, काम उतना ही लीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल जाएगी, या जो लोग बिजनेस के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको एक परफेक्ट वो इंसान मिल जाएगा या वो कंपनी मिल जाएगी जिनके साथ में वो आगे अपना काम कर सकते हैं। जिनके कहीं फंड्स अटके हुए हैं, पैसे कहीं रुके हुए हैं, वो पैसा भी आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान आपको सिर्फ इतना ही देना है इस महीने के हद से ज्यादा या अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बेसिकली आपको काम नहीं लेना है। अदरवाइज कुछ लॉस जो है वो आपको हो सकता है, ठीक है। ऊपर के 3 कार्ड आपका डेथ कार्ड, सन कार्ड, लवर्स कार्ड, तीनों पॉजिटिव है, तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को और नई बिगनिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट इग्नोर द टावर ऑल्सो। तो और ये टावर मोमेंट जो है ये आपके लाइफ में तभी आ रहा है जब आप बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हो अपने आप को। दूसरा मैं यहां पर ये भी देख रही हूँ कि जून के मंथ में आप बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाओगे ग्रुप नंबर 1, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें इसी महीने में आपको निपटानी है, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गोल्स जो है वो आपको इसी मंथ में अचीव करने हैं। सो बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाले हो आप। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। जून 2022 ग्रुप नंबर 1 के करियर के लिए कैसा रहेगा। वी हैव द फैमिली रूम। मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताऊंगी आपके काम से जुड़ी हुई। देन वी हैव कोर्ट हाउस, कोई लीगल मैटर यहां पे चल रहा है आपके वर्क रिलेटेड। लेट्स सी इसका आउटकम क्या रहेगा।
वी हैव नंबर 6, तो जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके काम से जुड़े हुए, या अगर आप खुद किसी ऐसे लॉ रिलेटेड प्रोफेशन में हो, देन दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. आप कहीं से जस्टिस का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, तो वो आपके फेवर में होगा डेफिनेटली. सजेशन यहाँ पे आपको ये भी आ रहा है कि आपको वर्क और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इस मंथ बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हो. जून की जो 6 तारीख है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव मच्योर वुमेन एंड वी हैव अ वेल्दी मैन. तो ग्रुप नंबर 1, आप में से काफी सारे लोगों को फाइनेंशियल गेन जो है वो इस महीने होने वाला है, और आप आगे की प्लानिंग करने वाले हो. आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आप सोच सकते हो कि आपको आपका मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है. देन यू हैव चाइल्ड नंबर 18. ऑल राइट, आई गॉट दिस. आपके जल्दबाजी का, जो मैंने आपको बोला कि आप बहुत ज्यादा इस महीने आपके ऊपर वर्कलोड आने वाला है, या आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाले हो अपने काम को लेकर के, तो पहली चीज तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि इस मंथ में या ओवरऑल आपके काम में सबसे पहली जरूरी चीज आपके लिए क्या है. पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए. वो काम जब आपका पूरा खत्म हो जाता है तभी आप अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर या अपने किसी नेक्स्ट प्लान के ऊपर आप बढ़िएगा. क्योंकि अगर आप चारों तरफ आप अपने हाथ फैला दोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपके आसपास जो कि आपका बुरा होता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर जो आपको यूज कर सकते हैं बेसिकली इस दौरान. तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं आपके, या आपकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं ऑफिस में, या आपके कलीग्स के साथ में, आपके एम्प्लॉयज के साथ में, बहुत ज्यादा ओवर शेयर आपको नहीं करना है. कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपको डिसअपॉइंट कर सकता है जून के मंथ में, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो. आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको 6 तारीख बताई, आपके लिए 18 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख जो है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड मैं बार बार यहाँ पे आपको बता रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के इस महीने बहुत ज्यादा आपको अपने आप को बर्डन नहीं करना है. ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपके करियर में कुछ चेंज आ रहा है तो पहले उस चेंज में आप पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाइए, उसके बाद आप आगे का कुछ प्लान जो है बनाइएगा अपने काम को लेकर के. स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगी, जो स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की, सारी चीजें इकट्ठे आपको नहीं करनी है, आपको प्रायोरिटीज यहां पे सेट करनी है. ओके, यस, वी हैव सेशिटी, देन वी हैव नंबर 2 लव, नंबर 9 क्रुएल्टी, नंबर 5 अ लिटिल बिट ऑफ वरी इज कमिंग, बट देन उसके बाद में एंडिंग इज विद द पावर. सो दिस मंथ इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम रियली गुड एक्सपीरियंसेस इन योर करियर, और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप काफी ज्यादा ग्रो करोगे. ठीक है, तो ये मंथ ओवरऑल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूरे करियर की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट महीना रहने वाला है. थोड़ी बहुत टेंशन जरूर आपको आ सकती है, कुछ टेम्पटेशंस में भी आप फंस सकते हो, बट इफ यू बी वाइज इनफ देन यू विल नॉट गेट स्टक इन टू सच सिचुएशंस. ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक ये बात भी कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रही है कि आपको आंखें बंद करके भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज पीपल कैन ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ योर पावर, ऑफ योर विजडम, ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर स्किल्स. किसी तरीके से लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, और ये वो इंसान हो सकता है जो कि जिस पर कि आप बिल्कुल भी डाउट ना करो. ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. और यहाँ पे आपका बैक ऑफ द डेक अनदर मैसेज, वी हैव द नाइट ऑफ डिस्क. दिस इज अनदर गाइडिंग मैसेज फॉर यू ग्रुप नंबर 1. आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी पाथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको सारे फैक्ट्स जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखने हैं. किसी भी तरीके की डे ड्रीमिंग में आपको नहीं फंसना है. यस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ गाइडेंस मिली है, देन प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे. एंड गाइज, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ.
नमस्ते ग्रुप नंबर टू जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सिलेक्ट किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी जून 2022 का महीना जो है आपके वर्क के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। आप जून 2022 में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। वी विल पिक 5 कार्ड्स ग्रुप नंबर टू। आपकी वर्क लाइफ में क्या कुछ आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून। ओके सो फर्स्ट कार्ड हियर इज द हायरोफेंट, देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। कोई काम अगर आपका रुका हुआ है ग्रुप नंबर टू, तो ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगा जून लास्ट मंथ से एंड नेक्स्ट मंथ तक जाते जाते आप जहां पर भी अटक रहे हैं वो रुकावट आपके रास्ते से डेफिनेटली हट जाएगी। अगर आप कहीं से किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, किसी इम्पॉर्टेंट ईमेल का वेट कर रहे हैं, किसी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं, तो वो भी जून के लास्ट वीक में होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपका करियर जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहने वाला है जून के मंथ में। आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है यहाँ पे, अपनी खुद की कन्वर्सेशंस को लेकर के भी आपको कॉशियस रहना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचा के चलने की जरूरत है। ठीक है, ऑफिस में इफ देर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर डीलिंग विद, कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको डेफिनेटली जून के मंथ में प्रमोशन मिल जाएगा, और जो लोग सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा वेट करना पड़े। अगर आप अपनी जॉब की लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप कहीं ट्रांसफर चाह रहे हो, तो वो ट्रांसफर होने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग। जिन लोगों को अभी तक अपने काम में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था, जिनके बॉस उनके काम की वैल्यू नहीं कर रहे थे, या जिनको ऑफिस में उनके काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट उन लोगों को मिल सकता है जून के मंथ में। और इसके बाद से, जून के मंथ के बाद से आपकी जो एक इमेज है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी आपके वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में भी। जो लोग आपको जानते हैं या जो लोग आपके साथ में काम करते हैं वो आपके स्किल्स की और आपकी पर्सनैलिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगेंगे। ठीक है, आपकी मनी को लेकर के भी यहां पर एक सजेशन आ रहा है ग्रुप नंबर टू, इज दैट कि आपको इस महीने थोड़ा सा अपना पैसा बचाने की जरूरत है। कहीं पर भी आपको अननेसेसरीली खर्चा नहीं करना है, या अननेसेसरीली आपको कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो इस महीने जून के महीने में हो सकते हैं। अ चेंज ऑफ लोकेशन इज कमिंग ग्रुप नंबर टू। थोड़ी सी और क्लैरिटी यहां पर हम लेते हैं। व्हाट इज कमिंग अप फॉर योर करियर इन द मंथ ऑफ जून 2022। ओके, वी हैव डिस्पेयर, देन वी हैव फैमिली रूम नंबर 32, 21। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ चेंज कमिंग अप। यहां पर भी लोकेशन का चेंज यहां पे आ रहा है। मे बी टूर पे आप जा सकते हो। ज्यूडिकेशन इज देयर, किसी चीज को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट कन्फ्रंटेशन हो सकती है आपके ऑफिस में। मेन मेल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपका मेन मेल का कार्ड आया है, नंबर 1 कार्ड। आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर अभी तक अपने काम में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, तो वो इंपॉर्टेंस आपको मिलने लगेगी। आप अपने काम के थ्रू ही अपने आप को यहाँ पे प्रूव करने वाले हो। ठीक है, और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे देख रही हूं कि जून का जो लास्ट वीक है वहां से थोड़ी सी चीजें जो है वो स्पीड पकड़ती हुई दिख रही हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी आई वुड से 30-40% लोगों के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पे, जो लोग ग्रुप नंबर टू की रीडिंग देख रहे हैं।
आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है इस महीने, आपके लिए 9 तारीख, 21 तारीख, 5 तारीख, 30 तारीख, ये डेट्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होते हुए मैं देख रही हूं। अगर आप एम्प्लॉई है तो आपके एम्प्लॉयर के साथ में आपकी मीटिंग होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और अगर आप खुद एक एम्प्लॉयर हैं तो आप खुद से एक मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो विद योर एम्प्लॉयज। ओके, आपका यहाँ पे कार्ड आया है इंडोलेंस विच इज 8 of cups, और ये कार्ड आपका जो है डिस्पेयर के कार्ड के साथ में आया है। देन वी हैव स्विफ्टनेस, अगेन दिस इज मूवमेंट, स्विफ्ट मूवमेंट, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो योर नंबर 8। देन यू हैव द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज 9 of cups गाइज, अ विश फुलफिलमेंट। तो स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओके, देन वी हैव द मैगस विच इज द मैजिशियन कार्ड, नंबर 1, दोबारा से नंबर 1, एंड वी हैव नंबर 9, दिस इज गेन। ऑल राइट, सो काफी ज्यादा यहाँ पे पिक्चर जो है क्लियर हो गई है। रीडिंग की जो थीम यहाँ पे आपकी आ रही है इज दैट एक तो कुछ बहुत मेजर चेंज होने वाला है, या तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में आप शिफ्ट होने वाले हो, या आपकी जॉब चेंज होने वाली है, ठीक है, या आपकी जो लोकेशन है वो चेंज होने वाली है, कहीं टूर पर आप जा सकते हो। सम मूवमेंट इज कमिंग, और इस मूवमेंट के बाद में आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिल रही है। यहाँ पे आपके बहुत सारे गेन्स हो रहे हैं, आपकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप बहुत टाइम से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक थे, या किसी पर्टिकुलर जॉब में आप स्टक थे, वहां से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे जून के महीने में। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, जो लोग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये चेंज और मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड सम गुड न्यूज ऑफ कोर्स इज कमिंग फॉर यू। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है, राइट? आपको आपने पहले कहीं अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अदरवाइज दिस मंथ आपको थोड़ा सा अपने खर्चे के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना है, और कहीं आपको अननेसेसरीली अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करना है, या अननेसेसरी कहीं आपको खर्चा नहीं करना है इस महीने, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। I'll see you next time guys, till then namaste and take care.